नमस्कार द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मेरा नाम शशांक पांडे है। देखिए, इस वक्त जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू कार्यालय में बैठक खत्म करने के बाद इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए हैं। एक अन्य मार्ग उनसे मिलने आए हैं और उनकी गाड़ी जो है, देखिए तस्वीर देखिए किस तरीके से उनकी गाड़ी जो है मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर रही है और जदयू कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग करने के बाद मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं ललन सिंह। और कहा यह भी जा रहा है कि ललन सिंह के पास एक पीला खाम है, उसी खाम में नाम है कि आखिर कौन जाएगा राज्यसभा। कहा यह भी जा रहा है कि हरनौत के प्रोफेसर साहब जो हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि वो नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं। जो भी पुराने नीतीश कुमार के साथी हैं वो अब नए तरीके से नीतीश कुमार के साथ जुड़ेंगे। और देखिए, कई सारे नाम हैं, चाहे प्रोफेसर साहब का नाम हो, फिर इंजीनियर सुनील सिंह का नाम हो, कई नाम है जो जिस पर मोहर लगना है, या फिर ये कहें कि मनीष वर्मा, तीनों में से कोई भी जा सकता है। लेकिन आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं, ये कंफर्म हो चुका है कि आरसीपी सिंह जदयू की तरफ से नहीं जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, अभी जदयू कार्यालय में एक बैठक चल रही थी जिसमें जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा थे, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में एक बैठक चल रही थी। और उस बैठक को ख़त्म करने के बाद ललन सिंह यहीं आए हैं, ये मुख्यमंत्री का आवास है, एक अन्य मार्ग जो आवास है यहाँ पर आए हैं ललन सिंह बात करने नीतीश कुमार से कि क्या किया जाए, क्या ललन सिंह को भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। अब किन किन को जिन जिन को भेजना है वो नाम लेकर आए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को अधिकृत किया गया है कि आप ही उस नाम को अनाउंस करेंगे। कहा यह भी जा रहा था कि जदयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि कौन जा रहा है जदयू की तरफ से राज्यसभा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि जदयू ने रोका है कि भाजपा जब अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी तो जदयू भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देगी। कहा यह जा रहा है कि भाजपा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा दिल्ली से होने वाली है, क्योंकि उनका शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठता है और जदयू का जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ले, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर ले, वो पटना में रहते हैं। इसलिए उनका उम्मीदवार के नाम की घोषणा पटना से होने वाली है, प्रदेश कार्यालय से होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक जदयू इस आस में बैठा हुआ है कि जब तक भाजपा अपने नाम की अनाउंस कर दे तो जदयू भी अपने नामों की अनाउंस कर दे। देखिए, जदयू कार्यालय से निकलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। बाद बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहते हैं इंडिया टॉप।